हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। तो आज करेंगे हम अपने मेकअप ब्रशेस और मेकअप स्पंज को क्लीन। तो उसके लिए मैं जो पहली टेक्निक है वो आपको बताऊंगी। आप एक सोप ले लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और उसी के ऊपर अपना जो भी आपका मेकअप ब्रश है उस जो आपको क्लीन करना है उसे अच्छे से रोटेशन में घुमाएंगे तो आपका जो मेकअप है वो आपके सोप पर आ जाएगा। उसके बाद आपको इसे अच्छे से पानी से क्लीन करना है और उसके बाद एक सॉफ्ट टॉवल लेके उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट है मेरा ब्यूटी स्पंज जो कि मैं ले रही हूँ, तो उसको भी मैं उसी टेक्निक से क्लीन करूँगी। रोटेशन में अपने सोप के ऊपर उसे घुमाऊँगी जिससे मेरा जो भी प्रोडक्ट मैंने उससे यूज़ किया है तो वो प्रोडक्ट सोप पर आ जाएगा। और इसको भी आप अच्छे से क्लीन वाटर में डिप करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो ये काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट क्लीनिंग टेक्निक के लिए मैं यूज़ करूँगी एक बोल, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। उसके बाद मैं उसमें एक लिक्विड सोप या फिर शैम्पू ऐड करूँगी, लेकिन मैं भूल गई थी, मैंने गलती से उसमें कंडीशनर ऐड कर दिया, तो ये वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आपको ये पानी यूज़ नहीं करना है। तो मैंने फिर से एक और बार तो उसके बाद मैंने उसमें अपने स्पंज डिप करके 10 मिनट तक छोड़ दिए। इसका कलर आप देख सकते हो कितना ही सुंदर लग रहा है। तो ये मेरा लिक्विड सोप है। तो अब हम इसको मिक्स करके इसमें अपने स्पंज डाल देंगे। तो अगर आप बड़े स्पंज डालना चाहते हो तो आपको थोड़ा बड़ा बोल लेना पड़ेगा। मैं इसमें अपने छोटे स्पंज ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस बोल का साइज़ काफ़ी छोटा है। तो नेक्स्ट टेक्निक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक प्लेट, उसमें मैं वही लिक्विड सोप ऐड करूँगी। सोप जो कि मैंने पहले यूज़ किया था वही सोप मैं फिर से यूज़ करूँगी और उसमें अपने ब्रशेस को सर्कुलर मोशन में घुमाऊँगी। जैसे कि ये मेरा ब्रश है जो कि काफ़ी गंदा है, तो उसे मैं इस लिक्विड सोप में घुमाऊँगी। आप देख सकते हो कि प्लेट कितनी गंदी हो जाएगी। और इसी तरह आपको ब्यूटी स्पंज लेना है, लेकिन ध्यान रहे उसे थोड़ा सा गीला कर लें पहले, क्लीन वाटर में उसे डिप कर लें, उसके बाद उसे लिक्विड सोप में घुमाएं, नहीं तो वो सोक नहीं करेगा आपका जो भी लिक्विड डिटर्जेंट या आपके पास जो भी लिक्विड सोप होगा। तो मैं इसे विदाउट वाटर में डिप करके ही इसे लिक्विड सोप में घुमा रही थी, लेकिन ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है। तो इसी टेक्निक को आप अच्छे से यूज़ करें तो आपका स्पंज अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टेक्निक है जिसमें हम एक बोल में शैम्पू ऐड करेंगे और उसी में अपने ब्रशेस को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ब्रशेस से उसे में बोल में घुमाएंगे और एक शीट ले लेंगे, क्लीन शीट। उस पर हम जैसे कि हम पेंसिल से लिखते हैं ना, वैसे ही हमें कुछ ड्रॉ करना है। इससे हमारे जो भी रेसिड्यू है हमारा मेकअप का वो उस शीट पे आ जाएगा। तो वैसे ही आपको अपने जो भी आपने आई शेडो के लिए अपने पेंसिल्स यूज़ किए हैं, मतलब आपने
जो भी ब्रश यूज़ किए हैं उनको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये था हमारा लास्ट। Thank you.